behind us. I'm at a place called Nimu, and why I was telling you, say this is Sindhu in winter, it's all frozen. It's one of the biggest river of this area, Southeast Asia. It is all frozen now. And you can see this is the confluence of another river with Sindhu called Zanskar. So that is Zanskar River, that is also frozen. This is frozen Zanskar. So these two are the biggest rivers. They meet at place called Nimu. So this is the Nimu, and you can see the lofty Himalayan ridges all around. We are in Scorpio and we all are geared up with heavy clothing. So this is not the real test. Real test will be tomorrow when we will be hitting Nomadic Trail, and hopefully after coming back from there I'll send some of the videos which if I can. But today we are just on a acclimatization trip around Leh. Thank you. We are in a village called Himesupachen, and this is again snow trail. It is in the interior of area which is called Sham Trek. This is again, as I said, it's a acclimatization trip, but temperature here also is in minus 15, minus 16, and tomorrow we'll be going back to the Nomad Trail. So I will keep updating you. These areas are really fascinating, and these areas are known for snow leopards. There are so many expeditions going on in and around for finding snow leopards, tracking snow leopards. In fact, we have found so many snow leopards in these areas, ibex and snow leopard. I was trying to stop somewhere where we could show you more and more snow, but it was dangerous. The car was skidding, snow was deep, and we were not able to even stop on the way. So this was one area where I found we can stop and we can look around in these areas. Thank you. हम लोग अभी ले से 74 किलोमीटर्स वेस्टवर्ड्स हैं, और ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है आपकी, हम सब की अपनी सिंधु, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, सिंधु रिवर इंडस। और मैंने आपको दिखाया था कि इसमें पानी जो है जंस्कार रिवर इसमें जहाँ मिल रही थी वहाँ इट वाज कम्प्लीटली फ्रोजन नीमू से पहले। उसमें इसका अंडरकरंट चलता है, ऊपर का सरफेस पूरा हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड यू कैन वॉक ऑन दैट। और उस तरफ से वो संगम जो मैंने बताया था वो जंस्कार रिवर मिल रही थी। ये दोनों रिवर का पानी मिलने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा किनारों पर बर्फ़ है, लेकिन मेन स्ट्रीम जो है अब ये बह रहा है। इसके बाद ये यहाँ से एक जगह है मरोल, वहाँ जाएगी। मरोल जो है वो पाकिस्तान में है, पीओके में। सो कारगिल से पहले ये पीओके में चली जाती है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान में जाके इसके अंदर काबुल रिवर मिलती है, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी बिग रिवर इन पाकिस्तान व्हिच इज़ कॉल्ड सिंधु सागर। बहुत बड़ी रिवर ये बन जाती है, लेकिन इसका ओरिजिन पमीर प्लेटो से होता है तिब्बत में, और हमारे लद्दाख से होती हुई, लद्दाख और कुछ पार्ट कारगिल से होती हुई ये पीओके में जाती है। लेकिन बहुत लोग ये कम समझ पाते हैं कि सिंधु हमारे देश में से भी जाती है। अब बच्चे आने लगे यहाँ पे, काफ़ी सालों तक तो मालूम ही नहीं था लोगों को। सो दिस इज़ योर इंडस, आर इंडस। और ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा है वो भी इसी के ऊपर पड़ा है। और एंशियंट इंडिया में तो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र इसको मानते थे, और अभी भी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उनकी अस्थियाँ विसर्जित करनी है तो गंगा की बजाय
सिंधु में करना, मैं भी शायद उनमें से एक हूँ। तो आपको ऐसी अपडेट और बताते रहेंगे एंड आई विल फील गुड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू। हाय डीजे स्टार्स, आज नोमेडिक ट्रेल पे जाने के लिए हमारा पहला दिन है और हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग अभी लेह से 120 किलोमीटर ईस्टवर्ड हैं। कल जो मैंने बताया था वो वेस्टवर्ड थे टूवर्ड्स पाकिस्तान। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर यहाँ से मुश्किल से 130-140 किलोमीटर है। उससे पहले हम लोग राइट में मुड़ जाएंगे। दिस इज इंडस एंड इट इज द होल रिवर इज कम्प्लीटली फ्रोजन, कम्प्लीटली फ्रोजन। आई कैन क्रॉस दिस रिवर बाई वॉकिंग। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ अभी। ये देखिएगा, ये पूरी की पूरी इंडस फ्रोजन है। ये सारी की सारी आइस है। और आप अगर ये, मैं आपको दिखाता हूँ कि आई कैन स्टेप ऑन दिस। ये अगर आप मेरा पैर देखेंगे, आई कैन स्टेप, आई कैन स्टैंड ऑन दिस हार्ड आइस। दिस इज हार्ड आइस। आई कैन सिंपली गो दैट साइड। और ये उस तरफ देखिए आप, ये उस तरफ तिब्बत से चाइना साइड से आ रही है। और ये पूरी की पूरी इंडस सिंधु, हमारी सिंधु फ्रोजन है यहाँ पे। और इस टाइम आई एम बेयरली एबल टू हैंडल द फोन, मेरे हाथ फ्रीज कर रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं फ़ोन को पकड़ पाऊँगा, ग्लव्स पहनना पड़ेगा। तो ये रिवर का एक ये कंडीशन है। और लेकिन ये पानी कहाँ जा रहा है, इसके नीचे करंट है। और आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे के सारे, ये सारा हार्ड आइस है। सो दिस इज लद्दाख। यहाँ का एक और अमेजिंग चीज़ आपको बताता हूँ। ये हम लोग एक जगह है चुमा थांग, जो कि ले से मैंने जैसे बताया था 120 किलोमीटर है एंड 140 किलोमीटर बिफोर चाइना बॉर्डर। टेम्परेचर इज फ्रीजिंग एज आई सेड, बट अनदर अमेजिंग थिंग ऑफ नेचर इज यू हैव अ हॉट स्प्रिंग इन चुमा थांग। इट्स नॉट वेल केप्ट, बट यू कैन सी दीज स्ट्रीम्स, यू कैन सी वाटर इज बबलिंग देयर। See this? So this is Chuma Thang hot spring on the banks of Indus River in Ladakh. आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये इंटीरियर्स में लोग अपने धोने के बाद कपड़े सुखाते हैं। और ये देखिए कि कपड़े से सूखते हुए कपड़े से जो पानी गिरता है, ये वो है, सूखते हुए कपड़े से जो पानी नीचे गिरता है वो भी जम जाता है। ये देखिए, ये चुमा थांग के पास ही एक और पैच है जो कि दिन में सनी रहता है, इसलिए यहाँ इंडस फ्रोजन नहीं है। ये पानी फिर से बाहर निकल आया है, फ्रोजन है बट इन पैचेस। द होल रिवर इज नॉट कम्प्लीटली फ्रोजन, यू कैन सी flowing like a proper river. और यहाँ से 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ये जैसे जाती है तो वहाँ फिर से फ्रीज हो जाती है। इससे अपस्ट्रीम 10-20 किलोमीटर ऊपर जाके फिर से ये फ्रीज हो जाती है, इट्स इन फ्रोजन फॉर्म। सो दिस जर्नी ऑफ इंडस कंटिन्यूस। एट सम प्लेसेस इट गेट्स फ्रोजन एंड देन द मेन स्ट्रीम इज अंडर द आइस। एट सम प्लेसेस इट्स कम्प्लीटली ओवर द सरफेस, बट एट दिस प्लेस विच इज चुमा थांग, दिस एरिया इज वेल नोन फॉर हॉट स्प्रिंग्स। हियर इट कम्स ओवर द सरफेस एंड इट्स राइट नाउ इट्स अराउंड 5:30 एंड टेम्परेचर इज फ्रीजिंग। I'm getting drunk on booze from the mini bar.